फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से बड़े परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, आंदोलनजीवी। वकीलों का आंदोलन हो या छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये एक पूरी टोली है जो बिना आंदोलन के जी नहीं सकती और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी, वे परजीवी हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने फॉरेन डिस्ट्रिक्टिव आइडियाज लॉजिक का भी हवाला दिया। पीएम मोदी का यह बयान किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों पॉपस्टार रिहाना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और एल्डर स्टार मिया खलीफा द्वारा दिए गए बयान के बाद सामने आया है। भारतीय हस्तियों ने इसे भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। प्रधानमंत्री का यह बयान या यूं कहें कि चुटकी कई लोगों को अखर गई। पीएम मोदी का इशारा किस तरफ था, इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने अपनी बीमारी के परवाह न करते हुए पीएम मोदी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने याद दिलाया कि भारत की आजादी की उत्पत्ति भी एक बड़े आंदोलन से हुई है। योगेंद्र यादव ने आंदोलन जीवी के बाद आंदोलन भोगी, आंदोलन रोगी पर भी प्रकाश डाला है। आइए पहले देखते हैं क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके बाद योगेंद्र यादव जी। कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण, जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं ना तो विपक्ष आलोचना करता है, फिर आखिर में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण ओकेशन होता है संसदीय लोकतंत्र में, उसमें प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे हमला किया, वो अक्सर करते हैं। शरद पवार ने पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये कहा था, अब वो कह रही है। अच्छा है करें, मैं तो बार बार कहता हूं कांग्रेस बीजेपी को जो जो इश्यू एक दूसरे से सुलटाने हैं सुलटा ले। इस देश ने तो 2019 में सुलटा दिए थे जब उसने दोबारा कांग्रेस को हरा दिया था। खैर, अगर आपको और इश्यूज उल्टाने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बहुत जरूरत रहती है कांग्रेस की, कांग्रेस पे हमला किया जाए, कांग्रेस के बारे में ये बोला जाए। मैं कभी सोचता हूँ कांग्रेस ना रही तो बेचारे का क्या होगा। वो जो होता है ना, जो दूसरे की बीमारी पे पलता है उसके लिए एक शब्द होता है, किसान बताएंगे, किसान वैज्ञानिक भी बताते हैं, जो खुद अपने पे नहीं किसी दूसरे की बीमारी पे पलता है उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। आज प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने कहा याद दिला दूं परजीवी क्या होता है। खैर, जो उन्होंने कहा
वो साफ था। उसके बाद उन्होंने असली अपनी तोप दागी, आंदोलन जीवी। इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, आंदोलन जीवी। बड़े खतरनाक लोग हैं, रोज आंदोलन का कोई बहाना ढूंढते हैं। ये आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं, दूसरा आंदोलन हो तीसरा आ जाते हैं, रोज आंदोलन ढूंढते रहते हैं। बड़े खतरनाक हैं, देश को बचना चाहिए, ये विचारधारा देते हैं आंदोलन को। ये सब प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा। मैं सुनता रहा, ये इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। इशारा साफ था किन लोगों पे था। इतना डरते हैं हमसे, शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी। बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, मन भले ही छोटा हो, इस देश ने बहुत बड़ी कुर्सी दी है आपको। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इतनी छोटी बातें कहना और हम जैसे छोटे लोगों से डरना, शोभा नहीं देता आपको। वैसे याद दिलाऊं आपको, ये ना, ये कुछ दिन पहले ही शायद आप ट्वीट वगैरह भी किया करते थे, इस देश को जन आंदोलन की जरूरत है। आपका ट्वीट है, मेरा नहीं है जी। जन आंदोलन बड़ा अच्छा लगता था। और जब कांग्रेस सत्ता में हुई करती थी, वो जिस कांग्रेस को आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में हर 5 मिनट में कुछ बोल देते हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी ना यूपीए, तो पेट्रोल के सवाल पे आप आंदोलन करते थे। देश में रुपए की कीमत 50 पार हो गई डॉलर के मुकाबले में, इस पे आप आंदोलन किया करते थे। और शिक्षा पे और पता नहीं किस किस चीज पे आंदोलन किया करते थे। तब आंदोलन अच्छा होता था, आज आंदोलन खराब हो गया। चलो अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, चलो आप कहोगे ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे। थोड़ा और याद दिलाऊं मोदी जी आपको, एक जयप्रकाश आंदोलन हुआ करता था। आप अपने अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे, बड़े लोग थे वो तो। एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी, याद है आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में, वो नवनिर्माण आंदोलन जिससे आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताते हो। सच्ची है झूठी है मैं नहीं जानता, आप खुद ही बोलते हो। आंदोलन का नाम करने के लिए, हम जैसे लोगों पे हमला करने के लिए आप आंदोलन को बदनाम कर दोगे। लाखों किसान इस देश में आज जो बैठे हैं, उन किसानों को बेइज्जत करोगे, उन पे तोहमत लगाओगे, उनको अपमानित करोगे, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे कुछ लोग आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिंह सिंधु को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और दंगा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपी के तहत मामला दर्ज किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गंभीर बात यह भी है कि 26 जनवरी के बाद से यह बराबर लापता थे। उसने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि पुलिस परेशान ना हो, उसके परिजनों को भी परेशान ना करे। 2 दिन बाद वह स्वयं को पुलिस के हवाले कर देगा। सिंधु की गिरफ्तारी हुई, लेकिन माना जा रहा है कि यह गिरफ्तारी उसी पटकथा के मुताबिक हुई है जो स्वयं दीप सिंह सिंधु ने लिखी थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने नए 3 कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। पिछले 76 दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। किसानों व सरकार के बीच 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान ही दीप सिंह सिंधु अपनी टोली को लेकर लाल किले पहुंच गया और वहां जमकर हिंसा हुई। दीप सिंह सिंधु व अन्य की पहचान हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिंह सिंधु, जगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। साथ ही 4 अन्य पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दीप सिंधु को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में वांछित पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जगराज को पुलिस अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीरें जारी कर चुकी है। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार राजदीप सरदेसाई, कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको याद होगा, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। आरोप है कि भ्रामक ट्वीट कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई आदि ने आंदोलनकारियों को भड़काने का काम किया। इस आरोप के तहत ही उनके खिलाफ गुड़गांव, बेंगलुरु और नोएडा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।